We keep seeing the eyeballs glued to us on the sidewalk, but that look could kill. सो हेलो गाइस, वंस अगेन बैक. आप सबका फिर से स्वागत है एक और एपिसोड में. 2015 तो फाइनली इंडियन ऑफशोर के फील्ड के अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ विथ अ डिफरेंट डेजिग्नेशन के साथ. इसके पहले जो भी मैंने काम किया था 2013-14 में वो इंटरनेशनल लेवल में था, जहाँ पर मैंने पैसिफिक ओशन के अंदर म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, इन तीन कंट्री में भी ट्रैवल कर चुका हूँ. लेकिन उसमें से ज्यादा स्टे मैंने म्यांमार में किया और वहीं का प्रोजेक्ट था वो. एक पेट्रोनास कंपनी का प्रोजेक्ट था और वो कम से कम 2013 एंड और 2014 मिड तक चला. 2015-14 दिसंबर में मैं एक शिप चढ़ रहा हूँ और 15 जनवरी को पहले दिन फर्स्ट जनवरी को मैं पहुंच रहा हूं एचआरडी का मुझे इतना तो याद नहीं है, लेकिन ये एक फील्ड है जो ऑफशोर ओएनजीसी के अंदर है और उसके अंदर ही मुझे काम करना है. ऑलरेडी जो जहाज है, जो शिप है, वो ओशन 303 मलेशिया का एक अकोमोडेशन बार्ज था, वो ऑलरेडी वहां पर लग चुका था और वहां का जो प्रोजेक्ट था वो नया प्लेटफॉर्म हुकअप बार्स था. मतलब वहाँ पर एक न्यू प्लेटफॉर्म उस एरिया में आएगा जो वहाँ पर इंस्टॉल होगा. वहाँ पर जो जैकेट्स है, मतलब जो ब्रिज है, जो कनेक्शन से वो होगा और वो कम से कम एक 6 महीने का प्रोजेक्ट है. और उसके बाद वहाँ पर एक और जहाज आएगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद जब इंस्टॉलेशन ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा और कुछ काम रहेगा उसके लिए आएगा. तो मैं वहाँ पर एज अ सेफ्टी, मेरा जो जॉब था वो फायर एंड सेफ्टी रिलेटेड था. तो मैं एक अपना जो डेजिग्नेशन है मटेरियल स्टोर ये सबको हटके से एक और नए डेजिग्नेशन का मुझे एक चांस मिला, एक मौका मिला काम करने के लिए. कंपनी ने पूरा सपोर्ट किया और मैं उस डेजिग्नेशन के लिए काम करने के लिए वहाँ पर गया. इंडियन ऑफशोर में मेरा एक्सपीरियंस पहला था और सैलरी जो था मेरे हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट लेवल से, जो फॉरेन में काम करता था बाहर एब्रॉड से, उससे कम ही था. उसके बराबर मैं कवर नहीं कर सकता था. मुझे वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा पैकेज है, वहाँ पर ऐसे ऐसे काम है, काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस, काम वैसा का वैसा ही, काम में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन जो तरीका है वो काफ़ी अलग है. वहाँ पर क्या क्लाइमेट थोड़ा अलग है, यहाँ पर क्लाइमेट अलग है, यहाँ पर नए एडवेंचरस है. वहाँ पर मेरा काम कुछ और था, यहाँ पर काम कुछ और था. यहाँ पर मेरे हिसाब से जब 2015 से लेके जैन फेब मार्च अप्रैल मई एंड ऑफ मई तक मैं वहाँ था और गधा मजदूरी ही था. रियलिटी पूछो तो बहुत ही डेंजर काम था, बहुत ही चैलेंजिंग था, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था, ये करो वो करो ये करो. एक टाइम तो ऐसा हो गया कि 3-4 महीने के बाद काफ़ी एम्प्लॉयज़ को निकालने लगे और उसके जगह रिप्लेसमेंट करके दूसरे एम्प्लॉयज़ को लाने लगे. तो उस टाइम मैं फिर से वहाँ स्टे हो गया एज पर माई वर्क की वजह से. काम यही है, परमिट, जो भी आपका जो जॉब लोकेशन से हॉट परमिट हो, कोल्ड परमिट हो, आपको परमिट लेके आना है. वहाँ पर एक कवर, एक हाउस जैसे एक बूथ होगा ब्लैंकेट का, फायर ब्लैंकेट का, उसे एक मॉडिफाई करना है और उसको आपको जो जॉब लोकेशन से उसके जो भी रिलेटेड जितने भी सेफ्टी काम्स से, फायर वर्क हो, हॉट वर्क हो, जो भी रिलेटेड जो भी वर्क हो, या फिर जो आदमी उसके अंदर काम करने के लिए उसका सेफ्टी से लेके काम शुरू होने से लेके काम एंड होने तक गधा मजूरी है. और काफ़ी क्लाइमेट अलग है. काम 12 से 13 घंटा काम करो, सुबह 6 बजे निकलो तो कभी रात को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, और रेस्ट नाम का कोई चीज़ नहीं था. तो ये मैंने 4-5 महीने अच्छे से स्ट्रगल किया और फाइनली वहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और सीजन स्टार्ट होने वाला था मानसून का. और मानसून के लिए हम लोगों को हटाकर काफ़ी नए एम्प्लॉयज़ को रिप्लेसमेंट किया, क्योंकि हम लोगों को 4 से 5 महीने हो गए और 4-5 महीना कंटिन्यू काम करने के बाद वहाँ पर कंपनी आपको रखेगा नहीं, न्यू एम्प्लॉयज़ को चांस देगा. तो मानसून में कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को रखा और मैं वापस फिर से चला गया. और काफ़ी बहुत कुछ चैलेंजिंग था, थोड़ा अलग अलग था. फूड एंड फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अलग थे. शिप जो था वो मलेशियन शिप था, तो शिप का जो फैसिलिटी, अकोमोडेशन, रूम, वो काफ़ी अलग था. तो बहुत सारे एडवेंचर्स, बहुत सारे जो लाइक सी वेव्स हो गए, हैवी वेव्स हो गए. बहुत कहते हैं ना कि शिप के अंदर आप काम करो, चारों टाइम आपको रिस्क पर रहना पड़ेगा, नींद बराबर नहीं आता है, काफ़ी मेडिकल इशूज़ वगैरह बहुत सारे थे. और उसके अंदर मैंने अपने नए जो अपने स्किल्स है,
कि फायर रिलेटेड क्या क्या काम होता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो 2015 का जैन से लेके मई तक मेरा ये गया, और वो जो डेजिग्नेशन था वो मेरा लास्ट डेजिग्नेशन था। उसके बाद मैंने कभी भी उस डेजिग्नेशन में और उस फील्ड में कभी काम नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं, एक काम खत्म हो गया तो दूसरा काम के लिए मैं वेट नहीं करता, ऑन द स्पॉट उसमें जंप कर लेता हूँ। तो मेरा उतरने के बाद ही मैं एक और प्लेटफॉर्म में गया। तो ये स्टोरी था मेरा HRD, मुझे यार उस हीरा ऐसा कुछ था, हीरा डेवलपमेंट ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म था। तो वहाँ पर नया प्लेटफॉर्म आया, वहाँ पर एक नया ब्रिज आया, बहुत सारा काम हुए, तो एक अच्छा सा एक एडवेंचरस मेरा टाइम गुजरा। और 5-6 महीने में मैंने भी कुछ खास 1 से 2-2.5 लाख रुपए आराम से बिना किसी एक्सपेंस से उठा लिए। तो ऐसे ही था, और भी कई सारे स्टोरीज आएगा। 2015 में मैं हेलीकॉप्टर में ट्रैवल किया पहली बार, उसका मैं वीडियो मैं नेक्स्ट में बनाऊंगा ये एपिसोड में। तो ये एक एपिसोड था जो मेरा जर्नी था 5 से 6 महीने का, डिफरेंट डेजिग्नेशन का, जो मैंने चैलेंजेस किए, जो मैंने काम किए। और जो लोग मर्चेंट नेवी वगैरह फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, प्रॉपर उस चीज़ का स्टडी नॉलेज ले लीजिए तो ही जाइए, नहीं तो फिर आप जाओगे, फंस जाओगे, क्या करना है पता नहीं चलेगा, करते जाओगे। अलग अलग पोजीशंस होते, अलग अलग क्वालिफिकेशंस होते, अलग अलग तरीके होते इस सब फील्ड में घुसने के लिए। ऐसा नहीं कि भाई आप सेलर हो, सीमैन हो, चलो शिप में चले गए, उसके साथ चलते गए, ऑयल एंड गैस रिग प्लेटफॉर्म, ONGC, गवर्नमेंट हो गए, प्राइवेट कंपनीज हो गए, काफ़ी टेक्निकल फील्ड हो गए, अलग अलग सैलरी मिलेगा, अलग अलग पैकेज मिलेगा, आपको कम खर्चे में कैसे क्वालिफिकेशन करना, उसके मैं काफ़ी वीडियोज़ बनाऊंगा। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, और मुझे पहले पता नहीं था कि ये सब फील्ड के अंदर ऐसे ऐसे चीज़ करने से आप जल्दी आगे ग्रोथ कर सकते हो, उसके बारे में काफ़ी कुछ बताऊंगा। तो एक छोटा सा वीडियो था, 2015 का बिगिनिंग का जर्नी मेरा खत्म हो गया। आप मिड से हाफ 2015 से मैं एक 15-20 दिन के लिए एक प्लेटफॉर्म में गया था, वहाँ पर जो मैंने देखा, जो एक्सपीरियंस किया, उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब बहुत जल्दी बहरेन के वीडियोज़ आ रहे हैं, 2015 में पहुँच गया, अब 2 साल और बचे, 17 अगस्त को मैंने फ्लाइट किया था, तो मैं बहुत जल्द बहरेन वीडियोस लेके आऊँगा। सो बाय एंड टेक केयर।